बिफोर ट्रीटमेंट ये सू जैसे गया है, जैसे ना मुझे ना पहले की मैंने मेहंदी लगाई थी हाथों पर, ये हाथों पर भी जैसे जैसे मेरा डिजाइन था ना वैसे वैसे डिजाइन बन गया था एलर्जिक का, और इतने बड़े बड़े हाथ हो गए थे। ये मैं सर का पूछ रहा हूँ, ये आंखें बंद हो गई हैं जी, ये स्वेलिंग की वजह से आ रहा है। ये कल से हुआ। क्या किया था, हुआ था सर कल आपने सर में, क्या किया था? कुछ भी नहीं, खाया पिया भी कुछ नहीं है। कलर लगाया था जी? कलर लगाया था। अच्छा, कलर पहली मरतबा लगाया था? पहली मरतबा लगाया, यानी केमिकल की चीजों से मुझे एलर्जी है, लेकिन बस बस आइंदा के लिए आपको नसीहत हो गई ना? नसीहत हो गई, हाँ, मेहंदी से भी हो गई, इससे भी हो गई। तो कोई भी कलर जो है ना नहीं लगाना है? नहीं, मैं नहीं लगाती, मुझे मेरे काफी अर्से हो गया मैं कलर नहीं लगाती, ये पहली दफा लगाया था, वो भी सिर्फ आगे आगे, ये देखिए ये हिस्सा है बस। लेकिन बस अब आइंदा के लिए नसीहत तो आपको हो गई ना, बहुत बड़ी। ये डिटोल से उन्होंने धोया, मैंने धोया ना जब डिटोल से, तो ये जख्म दोबारा छिल गए, उसके बाद सूजन आने लगी। डिटोल भी तो केमिकल है, नहीं करना चाहिए। After 4 days of treatment, कितने दिन पहले आई थी इलाज कराने? वेडनेसडे को, 20 तारीख को आई, 20 फरवरी को, ठीक है ना? और आज क्या तारीख है? 24 फरवरी, 4 दिन पहले। 4 दिन, तो ये 4 दिन पहले आपका चेहरा जो था चाइनीज बन गया था, है अब पाकिस्तानी हो गए। तो हुआ क्या था, ये क्या लगा लिया था आपने? ये मैंने अपने बालों पर कलर अप्लाई किया था, उसके वजह से कलर एक्शन हुआ था, और जिसकी बदौलत मेरा फेस बिल्कुल खराब हो गया था। खराब हो गया था, यानी अब तो आपकी शक्ल लग ही नहीं रही कि वो शक्ल है। अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी अल्लाह ताला की मुझ पर। बस तो आइंदा के लिए आपको अब नसीहत है, नसीहत दूसरों को क्या सबक देंगे? दूसरों के लिए यही सबक है कि कोई भी काम करने से पहले अपने या तो मौलवी से मशवरा करें, या फिर किसी अच्छे पार्लर में जाकर रुजू करें कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसी हिसाब से आप अपने चेहरे पर या स्किन पर अप्लाई करें। और अगर रिएक्शन हो जाए तो डॉक्टर नदीम साहब वहीं आएंगे और बाएंगे। 4 दिन में इतना अच्छा चेहरा हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और नसीहत भी हो गई कि आइंदा कोई कलर नहीं लगा। बहुत बड़ी बड़ी नसीहत हुई है कि अभी कलर लगे हुए थे शॉप पर, तो मुझे गुस्सा आ रहा था देख देख कर, क्योंकि मैंने क्या किया था। बस अब आइंदा नहीं करना, बहुत अच्छा हो गया, बहुत मुबारक।